जनपद रुद्रप्रयाग के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत दूसरे दिन ग्रामीण क्षेत्र के तल्ला नागपुर और रानीगढ़ क्षेत्र का भ्रमण कर जनता से सीधा संवाद किया। वहीं ग्राम पंचायत कोठगी में जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद तीरथ सिंह रावत ने केंद्र और राज्य सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। वहीं आने वाले 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अपने अपने गांवों क्षेत्रों में भी भव्य धार्मिक आयोजन करने की लोगों से अपील की है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। भ्रमण था, क्षेत्र भ्रमण था, वो उन्होंने यहाँ को भी मेरी ग्राम सभा को चुना है, तो मैं माननीय सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो 22 तारीख को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, हमारा भव्य और दिव्य होने जा रहा है, और इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे एक गोष्ठी का आयोजन भी हुआ। और 22 तारीख जो हमारे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके उपलक्ष्य में हमारी समस्त मातृशक्ति ने पिछले 15-20 दिन से बहुत तैयारी चल रही है हमारी। हम उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी की जीवन काल की कुछ थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी झलकियां दिखा रहे हैं उसकी तैयारी। दो दिन का कार्यक्रम इस विधानसभा के अंदर हमारा रहा, जिले के अंदर लेखन कर आज प्योरली ग्रामीण क्षेत्र का, तो जगह जगह अच्छा लोगों के द्वारा अभिनंदन और इस प्रकार का मिलना जुलना उनसे बातचीत करना, माननीय विधायक जी के द्वारा बहुत सारे काम इस क्षेत्र में हुए हैं, और यही नहीं तो भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं उन्होंने नीचे तक पहुंचाई हैं और उसका परिणाम भी सामने आया है, दिख रहा है, जनता उसको स्वीकार्यता देती है। क्षेत्र भ्रमण था और पूरे तल्ला नागपुर क्षेत्र का उन्होंने भ्रमण किया, इसके बाद रानीगढ़ क्षेत्र का भ्रमण है, और जिस तरह से जनता उमड़ रही है, जिस तरह से लोगों का उत्साह है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पिछली बार से भी बड़े बहुमत से, बड़े मार्जिन से हम न सिर्फ इस सीट को जीतने जा रहे हैं, बल्कि पूरे देश में 400 पार का जो हमारा नारा है उसको सार्थक करने जा रहे हैं।